तो ठीक है, मुझे वॉफल चाहिए, बिल्कुल इस पिक्चर की तरह। यह किया जाएगा, मैं तैयार हूँ। विस्क, स्पैचुला, जंग में कूद पड़े हैं। स्वादिष्ट। माफ करना। वह सब तो ठीक है, लेकिन अब काम में लगने का समय है। मैं एक कटोरे में आटा डालती हूँ, दो अंडे तोड़ती हूँ, और चीनी तो जरूरी है, थोड़ा दूध और मक्खन, और अब हमें यह सब मिलाने की जरूरत है। देखो और सीखो बेन। सीखने के लिए इधर कुछ है। अब मैं कटोरे में बैटर डालूंगा, यहाँ थोड़ा लाल डाई भी डालूंगा। हाँ देखो, और इन सबको अब मिला दूंगा। क्या आप स्पीड में मुझसे कंपटीशन करना चाहती हैं? खैर रुक जाओ, मेरा सारा रंगीन बैटर तैयार है। अब मैं इसे वॉफल मेकर में एक के बाद एक सारे रंगों को डालता हूँ। बहुत सुंदर। अब मेरे वॉफल को बेक करने का समय है। मुझे न्यूटेला बहुत पसंद है। क्या? हाँ, उसका वॉफल पहले से ही तैयार है। मुझे कुछ करना होगा। हाँ बिल्कुल, न्यूटेला। मैं इसमें आटा मिलाऊंगी और साथ ही साथ दूध, और अब मैं सब कुछ मिला दूंगी। अब वॉफल मेकर में बैटर को डालना है और अब इसे बेक कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि चॉकलेट वॉफल जरूर उसे पसंद होगा। आपको यह कैसा लग रहा है? मुझे अपने वॉफल को सजाना चाहिए, उन्हें चॉकलेट में डुबोना चाहिए और फिर रेनबो स्प्रिंकल। कितना सुंदर है। क्या यह वास्तव में एक वॉफल है? यहाँ मेरे पास असली वॉफल है, मेपल सिरप और पाउडर चीनी के साथ। हाँ, सजावट के लिए यह स्ट्रॉबेरी। मेरा वॉफल तैयार है। बहुत सुंदर। ओह, वे उन्हें सजा भी रहे हैं, इसलिए मुझे भी सजाना चाहिए। ओह, स्किटल्स, मैं कैंडीज के साथ वॉफल को सजाऊंगी। तो बहुत अच्छा निकला। बहुत सुंदर। ओह अफसोस, मेरे पास कुछ नहीं बचा। खैर चलो एमा। ओह वाह, मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करें। रेनबो वॉफल के साथ। इसकी महक कितनी अच्छी है और कितना स्वादिष्ट है यह। यह अच्छा है बेन। अब एमा के वॉफल। कैंडीज और चॉकलेट के साथ में वॉफल, एक अलग कॉम्बिनेशन है। मुझे यह पसंद है, और निश्चित रूप से दादी के वॉफल, इसे देखकर तो जीभ में पानी आ रहा है। वाह कितना स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है यह। ओह मैं नहीं चुन सकती, ये सभी बहुत स्वादिष्ट है, मैं उन्हें खाना चाहती हूँ। और दादी के वफल और रेनबो और चॉकलेट। ओह बस स्वादिष्ट, बहुत अच्छा। ओ बेटी, क्या तुम ठीक हो? और कौन जीता? पता नहीं इस बार क्या होने वाला है। लगभग हो गया। यह रहा, मुझे चिकन लेग चाहिए। आसान। रुको, मुझे यह कहाँ से मिलेगा? इसे दूर हटाओ, इसे हटाओ। तुम जो भी कहो डियर, लेकिन मैं इसे पकाने जा रही हूँ। अब मैं इसे तेल के साथ रगड़ूंगी बढ़िया से, और अब मैं इस पर मसाला छिड़कूंगी इस तरह से। अब मैं कुछ सेब काटूंगी। वाह कितना सुगंधित है यह। मैं एक को अंदर रखूंगी और फिर मैं अपने चिकन को दूसरे टुकड़ों के साथ कवर करूंगी। अब इसे अवन में डालने का समय है। क्या पूरे चिकन को पकाना जरूरी है? हालांकि मेरे पास एक आइडिया है, मैं मसालेदार चिप्स ले लेती हूँ और उनमें तीखा सॉस डालूंगी। अब इसे तोड़ने की जरूरत है। हाँ यही चाहिए। चिकन लेग, यहाँ तुम जाओ, एक डुबकी के लिए तैयार हो जाओ।
ब्रेडिंग अच्छी है। अब इसे बेकिंग ट्रे पर डाल देती हूँ। हाँ, इस तरह से। ऐसे कौन खाना बनाता है? देखो यह कैसा होना चाहिए। अलग अलग सीजनिंग को छिड़कें और उन्हें लेग पर रगड़ें। और अब मैं इन लेग्स को अपने ग्रिल पैन में तलने जा रहा हूँ। ध्यान यह रखना है कि यह जले नहीं। ओह, दादी ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। चिकन तैयार है। नारंगी के कुछ स्लाइस और पैरों पर एक सजावट। बस इतना ही। अपने खुद के डिश पर ध्यान दो तुम। हाँ ठीक है, मेरे चिकन अभी भी सबसे अच्छे होंगे। अपनी उंगलियों को चाट कर खाने लायक। ओ, ओ, कुछ हो रहा है? ओह, मैं आग उगल रही थी। ओ, लेकिन मैंने चिकन लेग तल लिए हैं। अब उन्हें एक ब्रांडेड बाल्टी में रखना बाकी है। एकदम अच्छे से तला हुआ। और मैं उन्हें फाउंटेन पर सर्व करूंगा। बस चीज डाला और तैयार। हाँ, चीज फाउंटेन। बेटी, मुझे आशा है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। बोन एपिटी। ओ वाह, सब बहुत अलग है। क्या वह चीज का फाउंटेन है? चलो उसके साथ शुरू करें। मैं इसे सॉस में डुबोऊंगी। यह अच्छा लग रहा है। ओ वाह, और अविश्वसनीय स्वाद। चिकन या लेग? मैं लेग से शुरू करूंगी। तो ठीक है, इसे खा कर देखती हूँ। एक मिनट रुको। अरे नहीं, कितना तीखा ब्रेडिंग है। मैं जल रही हूँ। मुझे तुरंत इस तीखेपन को हटाना होगा। यह काम किया। लेकिन दादी का चिकन तो मस्त है। मैं लेग को ट्राई करूंगी। वाह, क्या खुशबू है। वाह दादी, ये लाजवाब है। आप पक्का जीत रही हैं। मुझे शिष्टाचार की परवाह नहीं है। ये चिकन बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, दादी को कोई हरा नहीं सकता। धन्यवाद बच्चे। आपको क्या लगता है? मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। यह मेरे लिए आसान है। दादी इसे संभाल लेगी। आउच, मेरी बूढ़ी हड्डियाँ। हाँ, मैं भी कर सकती हूँ। मैं आलू काट लेती हूँ। अरे, क्या चाकू फंस गया है? अरे निकलो। ओह, यह मैंने नहीं, नहीं मैंने नहीं, यह दादी ने किया है। क्या? ओह डियर, दादी का ध्यान मत हटाओ। देहाती आलू से बेहतर क्या हो सकता है? मैं उन्हें एक बर्तन में डालूंगी। उन पर अब तेल डाल देती हूँ और उसके ऊपर से सीजनिंग को छिड़क दूंगी और रोजमेरी की एक टहनी ऊपर से। मैं इसे ले जाऊंगा। नहीं, मैं इसे ले जाऊंगा। शांत हो जाओ, तुम दोनों मेरी मदद करोगे। अद्भुत खुशबू है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा प्रोफेशनल खाना पकाने का उपकरण क्या करने में सक्षम है। थोड़ा घुमाया और आलू एक स्पाइरल में बदल गया। अब इसे गर्म तेल में भूनना है, इस तरह से। हाँ, और मेरा काटने का काम हो गया। अब मैं सब कुछ टोस्टर में डाल दूंगी और अब यह तैयार। हाँ, बस जरूरी बात है सब कुछ पकड़ना है। उफ, मैं थोड़ा चूक गई। मैं अब उसे इकट्ठा कर लेती हूँ। यह हुई ना बात, बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स की तरह। ओह, और लगता है यह मेरे लिए है। मेरा आलू बेक हो गया है। क्या खुशबू है। अब इस पर चीज सॉस डालना ही बाकी है। हाँ, इस तरह से। बस हो गया। कितना बढ़िया। इस तरह से हमें टेबल पर आलू को सर्व करने की जरूरत है और बारबेक्यू सॉस इसके साथ सही रहेगा। ओह, कितना महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छा सॉस केचप है। चलो बेटी, इन्हें यह साबित करके दिखाओ। हुरे हुरे, इतने सारे फ्राइज। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह तस्वीर की तरह है। मैं उस पर केचप डालूंगी। इससे मैकडॉनल्ड्स की तरह खुशबू आ रही है।
और स्वाद भी कूल। अब दादी के आलू। ओह, कितना सारा सॉस है। बुरा नहीं है, लेकिन ठीक वैसा नहीं जैसा मैं चाहती थी। वाह, यह क्या है? यह स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन पहले मैं इसे सॉस में डिप करूंगी। और अब इसे खाती हो। वाह, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मुझे बहुत पसंद आया। ओह हाँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। वाह, मेरा मतलब है धन्यवाद। यह खाना पकाने का समय है, मुझे सरप्राइज करो। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स और हम क्या पका रहे हैं? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। आज मुझे एक बड़ा सुंदर केक चाहिए। मैं वेट कर रही हूँ, मुझे खुश करो। केक कितना कूल। यह बहुत आसान है। क्या तुमने केक कहा? फिर मुझे आटा चाहिए। मैं इसे और सुविधाजनक बनाने के लिए इसे गहरी डिश में लूंगी। फिर मैं थोड़ा दूध मिलाऊंगी। केक की रेसिपी मेरे सिर में है। मुझे सभी आवश्यक सामग्री पूरी तरह से याद है। कोई भी विस्क इस केक को प्यार से पोषण नहीं दे सकता है, केवल दादी के हाथ। इसलिए मैं हमेशा हाथ से आटा गूंथती हूँ। ये महत्वपूर्ण है। क्या समय की बर्बादी है। हमेशा एक आसान विकल्प होता है। केक की तैयार परतें पहले से ही मुझे बहुत समय बचाएंगी। यह क्या है? मैं इसे देखना नहीं चाहती। मेरा केक सबसे अच्छा होगा क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ। मैं आटा में कुछ रंग जोड़ूंगी। यह एक उज्जवल लड़की के लिए उज्जवल केक होगा। यह बहुत अच्छी तरह से निकला है। इसे करने का यही तरीका है। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही करूँगी। तो मैं पीनट बटर जोड़ूंगी। और बेहतर, मुझे पीनट बटर बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब अगली लेयर। और जैस सिर्फ अपनी उंगलियां चाटेंगी। मैं कम से कम इसे अब खुद खाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। बस करो, तुम अपनी बहन के लिए केक बना रही हो। और मैं स्ट्रॉबेरी जैम डालूंगी, जिसे मैंने खुद तैयार किया है। वह निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। बस जार खोलना है। इस जैम की सुगंध स्वादिष्ट है। मैं पूरा जार डाल दूंगी। इसे बेहतर करना मुश्किल होगा। मेरे पास सबसे अच्छा पाई होगा। आवश्यक डिटेल्स जोड़ूंगी, कुछ स्ट्राइप्स लगाऊंगी। जब यह सब भूरा हो जाएगा तो पाई तैयार हो जाएगा। वाह, यह बहुत बड़ा है। एक महत्वपूर्ण डिटेल, अब हमें सावधानी से क्रीम लगाना होगा। मैं पेस्ट्री बैग के साथ ऐसे लेयर्स बनाती हूँ। केक इतना उज्जवल और सुंदर निकला। अब अगला स्टेप, इसे सावधानी से करना बहुत जरूरी है ताकि केक उतना ही सुंदर बना रहे। मुझे लगता है कि क्रीम के साथ सब कुछ तैयार है। आखिरी स्टेप सजावट है। मैं एक सजावट बनाना चाहती हूँ जो इस केक में पूरी तरह से मेल खाएगी। यह उतना ही रंगीन होगा जितना वह है। यह सब सेट है। परफेक्ट इंद्रधनुष। मैं उसे सबसे ऊपर रखूंगी। बिल्कुल सही। मैं केक को रंगीन चॉकलेट से सजाऊंगी। मैं तारे लगाऊंगी, उन्हें यहाँ रखूंगी। ये बहुत अच्छा निकला। अब सिर्फ इंद्रधनुष में बादलों को जोड़ना बचा है और मेरा केक एकदम सही है। अरे, दादी कहाँ गई? क्या, कहाँ, कौन? ओह हाँ, मेरी पाई। कितनी अच्छी सुगंध है। बस एक अद्भुत पाई बना है। मुझे भी यह केक चाहिए। मेरा इतना बुरा लग रहा है। दादी भी मुझसे बेहतर है। मेरे पास एक आइडिया है। रंग जोड़ने के लिए मुझे रंगीन कैंडीज चाहिए, तो यह बहुत सुंदर हो जाएगा। जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा। तुम्हारे लिए अच्छा है केक। तुम लोगों का मेरे साथ कोई तुलना नहीं है। ओह, बुरा नहीं है। ये बहुत प्यारा है। चलो उसके साथ शुरू करते हैं। अब मैं स्वादिष्ट केक खाने जा रही हूँ। हम ध्यान से और सावधानी से काटते हैं। यह हुई ना बात। मैं कितनी अच्छी हूँ। वाह, कितना मीठा है। ये मेरे मुंह में पिघल जा रहा है। कमाल है। मैं हर आखिरी टुकड़ा खा लेना चाहती हूँ। मैं एक बादल को भी खाना चाहती हूँ। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। चलो अब अगले केक की बारी है। वाह, ये कितना सुंदर लग रहा है। मैं एक पीस खाकर देखती हूँ। कितना सुंदर और मीठा, रसदार।
बेरी का स्वाद सिर्फ अविश्वसनीय है। मैं इसे खाना चाहती हूँ और खाते रहना चाहती हूँ। लेकिन यह मैं कैंडी खा सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट है। चलो खाकर देखती हूँ। स्वादिष्ट है। चलो और खाती हूँ। यह मुंह में बहुत चिपचिपा हो रहा है। मुझे कुछ पीना पड़ेगा। अब बेहतर है। मैं अब और इसे नहीं खाना चाहती। अच्छा, अब मुझे चुनना होगा। जाहिर है इंद्रधनुष केक सबसे स्वादिष्ट है। किसका? मेरा। ओह, चलो तुम मेरी चापलूसी करो। अगली बार जीत मेरी होगी, तुम देखोगी। हमारे पास यहाँ क्या है? सब्जियाँ? किस लिए? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मुझे बर्गर चाहिए। मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर पकाओ आसानी से। क्या बर्गर? ये बहुत हानिकारक है। मैं अपनी पोती को ऐसी गंदगी नहीं खाने दूंगी। सभी कचरे में जाएंगे। और हम सब्जियों से बहुत सारी अच्छी चीजें पका सकते हैं। एवोकाडोस बंस की तुलना में बहुत स्वस्थ होते हैं। अब मैं इसे बहुत स्वादिष्ट बनाने जा रही हूँ। तुम अपनी उंगलियाँ चाटोगी। इसके अलावा यह इतना आसान है। बस मुझे बीज निकालना होगा, उसे साफ करना होगा। लेकिन इसमें कितने विटामिन है। और टमाटर, मुझे टमाटर बहुत पसंद है। वे बहुत स्वादिष्ट और स्वस्थ होते हैं। उन्हें जोड़ना होगा खीरे की तरह। हमें इसे सर्कल्स में काटना होगा। और मिर्च के बिना कैसे? मैं यह भी नहीं बताना चाहती कि मिर्च कितनी उपयोगी है। जब मैं खाना बना रही थी तो मैं इसे खुद खाना चाहती थी। बहुत स्वादिष्ट और बिल्कुल तीखा नहीं। और अब बारी है सलाद के पत्ते की। हमारे हेल्दी बर्गर को असेंबल करना बाकी है। एवोकाडो, सलाद, टमाटर, मिर्च और खीरे। यह बेकार है। मेरा स्वाद निश्चित रूप से बेहतर होगा। एक ब्रेड पर कटलेट। अब हमें सब्जियां डालनी होगी। खीरा है। yeah. क्या यह प्याज है? नहीं, यह जरूरी नहीं है। टमाटर। लेकिन पहले हमें टमाटर के अनावश्यक हिस्सों से छुटकारा पाना होगा, नहीं तो यह बेस्वाद होगा। अब शायद यह ठीक है। हालांकि नहीं, यहाँ और भी बहुत कुछ है। इन्हें हटाना होगा। ठीक है, अब यह ठीक है। चलो अब इस पर चीज डालते हैं ऊपर से। इसके साथ कुछ गड़बड़ है। ये बहुत ज्यादा है। ओ चलो, अगर इस तरह से रखे तो यह भयानक लग रहा है। आइडिया, हम थोड़ा चीटिंग कर सकते हैं। हाय, मैं जल्द से जल्द बर्गर डिलीवरी कराती हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ। वाह, इतनी जल्दी। थैंक यू। ओह, मेरा बर्गर कहाँ है? बढ़िया, हम अनावश्यक चीजें हटा देते हैं। वो कितना सुंदर है। हमने इसे एक प्लेट पर रखा, बिल्कुल सही। बुरा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बेहतर करूंगी। मेरे कटलेट कैसे हैं? पूरी तरह से तला हुआ और आग की सुगंध को ऑब्जर्व किया। इतना रसदार और सुगंधित। यह सब सेट है। मेरी प्लेट में आओ। देखो ये कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं पहले सब कुछ आग से निकाल दूंगी और फिर मैं एक स्वादिष्ट बर्गर पकाऊंगी। इसे ऑफ करना मत भूलना। बढ़िया, चलो शुरू हो जाओ। मेरी प्रोफेशनल मेथड से सब्जियों को काटना आवश्यक है। पहले हम टॉस करते हैं और फिर हमने इसे हवा में काट दिया। पूरी तरह से कटे हुए सब्जियां तैयार है। एकदम सही बन। अब हम बर्गर को एक साथ डाल रहे हैं। सलाद, रसदार कटलेट और चीज डालते हैं। अगला सब्जियां, और इसे कुछ और बार दोहराएं ताकि बर्गर एक टावर की तरह दिखे। फाइनल टच, बन और एक झंडा। अब यह एकदम सही है। कितना सुंदर है। यह सच है। यह सब कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन उसके अलावा यह सब क्या है? बर्गर की तरह नहीं दिखता। ठीक है, हमें खाकर देखना होगा। मैं इसे खा सकती हूँ? यह कैसा है? छी, तीखा। ओह, यह बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। झंडे को हटा दो, मेरे मुंह में आओ। ए, क्या यह गिर गया? खैर, मैं इसे तब नहीं खाऊंगी। यह प्यारा लग रहा है। चलो खाकर देखती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है।
ये बहुत ही स्वादिष्ट बर्गर है। वह जीत गया है। वाह, मैं जीत गई। यह सही नहीं है और मैं जीत नहीं पाई। तो सबसे पहले मुझे इस तरह का केक चाहिए जैसा कि तस्वीर में है। हाँ, हम यह करेंगे। ओह केक, मैं इसे बनाने में एक मास्टर हूँ। क्या? आ केक, मैं इसे अब बनाऊंगी। मुझे बस थोड़ा सा आटा चाहिए, कुछ अंडे, ठीक है, और अब थोड़ी दूध भी। अब मैं बैटर को मिक्स करूंगी। ओह कितना सुंदर है ना मैगी? आटा क्यों बनाए? अगर तैयार केक मेरे पास है, देखो वे कितने अच्छे हैं। ओह नहीं, यह घर का बना नहीं है, स्टोर से खरीदा हुआ केक। ओह यह बहुत भयानक है। इस बीच मेरा प्रोफेशनल मिक्सर मेरे लिए आटा को तैयार कर देगा। हाँ ये ही मुझे चाहिए। इसे 5 बराबर भागों में विभाजित करना है और अब हमें रंग जोड़ने की जरूरत है। इस तरह से। मैं दस्ताने पहन लेता हूँ और आटा अच्छी तरह से गूंथूंगा। अरे हाँ, अब हर केक अनोखा होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा केक भी अनोखा होगा, विशेष रूप से पीनट बटर के साथ। हम इसे पहले केक पर फैलाएंगे, फिर इस तरह से, हाँ, और फिर दूसरे पर भी ऐसे। मैं थोड़ा सा खा भी सकती हूँ। ओह कितना स्वादिष्ट है यह। हाँ अब यह तीसरे केक पर फैलाने का समय है। ओह मुझे एक और चम्मच चाहिए। और सोफी को यह पता नहीं चलेगा। हाँ बहुत ही स्वादिष्ट है। मैगी तुम क्या कर रही हो? ऐसा मत करो। बेहतर होगा देखो कि मेरे पास क्या घर का बना जैम है। मुझे लगता है मैं अपने पाई में पूरा जार डालूंगी। कितना सुंदर है। और अब डेकोरेशन के लिए थोड़ा आटा। वाह कितना सुंदर है। और यहाँ मेरा ब्रांडेड मैश है। और क्या खुशबू है। इसे ओवन में डालने का समय है। बस यहाँ थोड़ी देर रुको, तब तक दादी एक झपकी लेती है। और यहाँ मेरा केक तैयार है। यह केक इकट्ठा करने का समय है। मैं अपने रंगीन क्रीम के साथ सारे लेयर्स को सजाऊंगा और ये रंग केक के रंगों से मेल खाएंगे। क्रीम से बाहर को भी सजाए। हाँ इस तरह से। और अब मुझे इसे एक विशेष स्पैचुला के साथ फैलाने की आवश्यकता है। अरे हाँ यह केक एकदम परफेक्ट होगा। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं एक मीठा इंद्रधनुष बनाने जा रहा हूँ। मैं इसे केक पर रखूंगा और जहाँ इंद्रधनुष है वहाँ एक यूनिकॉर्न है। हाँ और साइड्स पर मेरे पास बादल और दिल होंगे। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा कर लिया है। यह परफेक्ट है। यह मेरी घड़ी है। यह पाई निकालने का समय है। और तैयार है। क्या खुशबू है। यह सोफी को ट्रीट देने का समय है। चलो दोस्तों दादी यहाँ है। अरे नहीं उनके पास ऐसे सुंदर केक हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल भयानक है। मैं इसे कैंडी M&M से सजाऊंगी। हाँ यह बढ़िया रहेगा। और यहाँ देखो कितना सुंदर लग रहा है। सोफी जल्दी इसे खाओ। वाह कितने सारे केक हैं। कहाँ से शुरू करूँ? इनी मेनी माइनी मो, तुम पहले हो। चलो यह खाते हैं। पर यह सूखा है, कोक के बिना नहीं खा सकते। ओ माफ करना मैगी। वाह वह दादी की स्ट्रॉबेरी पाई है। कितनी अच्छी महक आ रही है। और यह बहुत स्वादिष्ट है। दादी मैं आपको प्यार करती हूँ। वाह यह क्या सुंदरता है। मुझे तुरंत एक टुकड़ा चाहिए। ओ वाह यह इंद्रधनुषी है। और यह बहुत सॉफ्ट और स्वादिष्ट है। और यह यूनिकॉर्न भी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे विजेता के रूप में किसे चुनना चाहिए?
शेफ का केक जीतता है। वह अतुलनीय है। ओह हाँ, मैं अपने काम को जानता हूँ। अच्छा तो ठीक है, अब मुझे पॉपकॉर्न चाहिए जैसे मूवी थिएटर में होता है। वह क्या है? पॉपकॉर्न। खैर मैं ऐसा कर सकती हूँ। यहाँ कॉर्न है? नहीं, यहाँ विशेष अनाज की आवश्यकता है और मेरे पास है। मैं फॉइल से बाउल्स तैयार करूँगा और अब मैं अच्छे से उनमें अनाज डालूंगा। हाँ, और निश्चित रूप से तेल। सबसे ताजा। मैं उनमें अनाज डालूंगा। हाँ यह सही है, मैं रंगों के बिना कहीं नहीं जा रहा हूँ। वे पॉपकॉर्न को सुंदर बना देंगे। यह एक यहाँ, एक यहाँ। चलो उनमें से एक इंद्रधनुष बनाते हैं और यह बर्नर का समय है। सावधान रहना है, यह विस्फोट करने का समय है। मुझे लगता है यह काबी है। देखते हैं क्या हुआ। अरे हाँ, लाल पॉपकॉर्न। आप क्या कहती हो दादी, आपको रंग कैसे लगे? खैर आपको कुछ नहीं पता है। ओह ये शेफ क्या जानते हैं। मेरे लिए सब कुछ नेचुरल होगा, बस मैं अपने नए गैजेट के साथ अनाज निकालूंगी। यह बिल्कुल सही है। आप पैन में थोड़ा मक्खन डालती हूँ। वैसे यहाँ और भी डाल सकते हैं। मैं इसे फैला दूंगी और यहाँ मकई डालूंगी और निश्चित रूप से चीनी। मेरी सोफी को मीठी चीजें बहुत पसंद है। ओ, ऐसा लगता है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। ओह हाँ, फ्राइंग पैन में अनाज फट रहे हैं। ये तैयार हो गया लगता है। वाह क्या खुशबू है, सब कुछ बढ़िया है। यह सीक्रेट इंग्रेडिएंट का उपयोग करने का समय है। मैं मार्शमेलो को एक फ्राइंग पैन में पिघलाऊंगा जब तक कि वे पेस्ट में ना बदल जाए। और अब मैं वहाँ पॉपकॉर्न भेजूंगा। मैं सब कुछ अच्छी तरह से मिलाता हूँ। मुझे पॉपकॉर्न की एक चिपचिपी गेंद मिली है और यहाँ मुझे विभिन्न रंगों की 5 गेंदों के रूप में पॉपकॉर्न मिले हैं। यह पॉपकॉर्न को एक कटोरे में डालने का समय है। वाह क्या सुंदरता है। और तुमने क्या बनाया है सैम? क्या वो पॉपकॉर्न है? अरे यह लो, चलो। ओह बच्चों की तरह। यह अच्छा है कि मेरे पास पॉपकॉर्न है जिसे बस गर्म करने की जरूरत है। फ्राइंग पैन पर पैकेज डालो और प्रक्रिया शुरू हो गई। ओह हाँ, और टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। वाह एक सेकंड रुको, वह गंध क्या है? उधर क्या हो रहा है? क्या गंध? ओह लगता है ये फटने वाला है। नीचे छिप जाओ। ओह मैगी तुमने क्या किया है? पॉपकॉर्न। मुझे इसे जल्द से जल्द साफ करना होगा। क्या कुछ बचा है? ओह यह क्या बस एक? ओह माफ करना, मुझे लगता है तुम्हें एक डाइट पर रहना पड़ेगा सोफी। ओह वाह इतना पॉपकॉर्न। और वह गंध क्या है? यह क्या है? यह तो जल गया है। ओह और यहाँ असली पॉपकॉर्न है। चलो यह खाते हैं। कितना मीठा। आप सब कुछ जानती हो दादी। ओह वाह यह क्या है? ओह वाह यह कितना मस्त है। यह अच्छा लग रहा है। और यह कितना स्वादिष्ट है। बस अविश्वसनीय है। यह पॉपकॉर्न निश्चित रूप से जीतने का हकदार है। हाँ एक और पॉइंट, मैं सबसे अच्छा हूँ। और अगली डिश पैनकेक्स है। क्या आप यह बना सकते हैं? क्या वह क्या है पैनकेक्स? उन्हें कैसे पकाना है? ओह क्या फोकस है, ऐसा लगता है कि लड़ाई चल रही है। यह दूध में 2 अंडे जोड़ने का समय है और हाँ थोड़ा आटा। अब मैं अपने प्रोफेशनल मिक्सर में आटा को मिला दूंगा। मुझे लगता है कि यह दौर भी मेरे लिए होगा। वाह तुम जल्दी खुश हो रहे हो, मेरा विस्क भी बुरा नहीं करेगा। मैं खुद आटा गूंदने में सक्षम हूँ। हाँ हमें दूध जोड़ने की जरूरत है। और क्या? आटा बिल्कुल।
और अंडे। मैं इसे शेल के साथ बना सकती हूँ। अब हमें सब कुछ मिलाने की जरूरत है। कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है, बस कुछ अजीब बैटर है। तो यह पैन में बैटर को डालने का समय है। बस, और अब हमें चॉकलेट पेस्ट की जरूरत है। मैं इसे एक पैनकेक पर फैलाऊंगी और मैं ऊपर एक और के साथ कवर करूंगी। ये एकदम सही निकले हैं। क्या वह क्या कर रहा है? और मैं यहाँ हरा डालूंगा। बस पूरा सेट। चलो इसे थोड़ा हिलाएं, इस तरह और इस तरह। अरे हाँ, देखो मैं कैसे कर सकती हूँ। दादी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन आप अपने पैनकेक को ड्रॉ नहीं कर सकती। अब मैं सिर्फ एक पैनकेक नहीं बल्कि आर्ट का काम करूंगा। और अब आखिरी टच और सोफी का चित्र तैयार है। क्या उनके पास सब कुछ तैयार है और मेरे पास यह अजीब बैटर है? ठीक है, बस इसे पैन में डाल देती हूँ, जो होगा सो होगा। अच्छा सोफी, क्या तुम पहले से भूखी हो? आगे बढ़ो, शुरू करो। ओह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये फिर से शुरू हो गए। ओह, ये कैसी गंध है? अरे नहीं, मेरे पैनकेक में आग लग गई है। मुझे तुरंत इसे बंद करने की जरूरत है। अब तुम हारने वाले हो। यह कैसी गंध है? तुमने क्या किया है मैगी? ओह, मुझे लगता है कि मेरा पैनकेक तैयार है। वाह, आपने कितना बढ़िया काम किया है। और क्या ये क्या महक है? एक मिनट रुको, क्या कुछ फिर से चल गया है? यह मैगी का पैनकेक है। वाह, क्या इस पैनकेक पर मैं हूँ? वाह वाह, और इसका स्वाद कैसा है? बहुत स्वादिष्ट है। वो एक मिनट रुको, ये दादी के पैनकेक्स हैं? अरे हाँ, अंदर चॉकलेट है जैसा मुझे पसंद है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मैं अपने आप को रोक भी नहीं सकती। दादी आप बस कमाल के हो, ये सबसे अच्छा डिश है। ओ धन्यवाद सोफी, तुम्हें मुझसे सीखने की जरूरत है।